फौलादी इरादों के धनी पीएम मोदी की अनसुनी कहानियाँ, विदेशों में भारत का डंका बजा चुके और देश को नई बुलंदियों की ओर ले जाने को अग्रसर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66 साल के हो गए। गुजरात के बडन नगर में पैदा हुए मोदी का राजनीतिक सफर चुनौतियों के साथ साथ काफी दिलचस्प भी रहा। मोदी ने राजनीति की तमाम चुनौतियों को सहजता से स्वीकारा और सफलता की कहानी लिखी। मोदी के लिए चाय बेचने से लेकर पीएम बनने तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। बचपन में सन्यासी बनना चाहते थे मोदी। मोदी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। गुजरात के बडन नगर में पैदा हुए मोदी बचपन से ही साधु और सन्यास बहुत भाता था और वह एक बार घर छोड़कर चले गए थे। 6 भाई बहनों के परिवार में मोदी का बचपन काफी गरीबी से गुजरा। मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। बडन नगर रेलवे स्टेशन पर मोदी के पिता की चाय की दुकान थी। मोदी स्कूल से आने के बाद चाय की दुकान संभालते थे। 17 साल की उम्र में मोदी ने घर छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकल गए। बडन नगर में मोदी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। मोदी बचपन से ही भाषण की कला में माहिर थे। आज भी मोदी के स्कूल में उनकी आवाज और अभिनय की चर्चा की जाती है। मोदी शेरो शायरी के लिए भी जाने जाते थे। मोदी को साइंस और इतिहास काफी पसंद था। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ मोदी एक अच्छे तैराक थे। कहा जाता है कि अपनी तैराकी के दौरान एक बार मोदी का सामना मगरमच्छ से हो गया था। वह मगरमच्छ के बच्चे को उठाकर घर ले आए थे। बाद में मां के कहने पर मगरमच्छ को वापस तालाब में भी छोड़ दिया था। जिस समय मोदी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, आरएसएस काफी तेजी से गुजरात में पनप रहा था और महज 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। 1958 में दीपावली के दिन लक्ष्मण रावी ईमानदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मैट्रिक पास करने के बाद मोदी ने बडन नगर छोड़ा और संघ के काम करने लगे। कहा जाता है कि इस दौरान मोदी ने 2 साल हिमालय के क्षेत्र में बिताया और अध्यात्म को समझा और वापस अहमदाबाद लौटकर संघ के काम में जुटे। ये भी कहा जाता है कि मोदी ने अहमदाबाद में बस स्टैंड पर चाय का ठेला भी लगाया। मोदी पर लिखी एमपी कामत की किताब के अनुसार मोदी ने संघ कार्यालय में झाड़ू भी लगाया। किताब में मोदी ने बताया कि वह संघ कार्यालय में प्रचारकों के लिए चाय भी बनाया है और कपड़ा धोने का भी काम करते थे। कि मोदी की शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल नरेंद्र मोदी की माँ यशोदा बेन को जब एक ज्योतिषी ने बताया कि मोदी बाकी बच्चों की तरह नहीं हैं और उनका मन घर परिवार में नहीं लगेगा, इसलिए घर परिवार से जोड़कर रखने के लिए मोदी की शादी जल्द करनी होगी, जिसके बाद मोदी की शादी यशोदा बेन ने कर दी। मगर शादी का कोई भी फायदा नहीं हुआ और मोदी अपने ही अंदाज में जीते। अम्बालाल कोष्टी मोदी के राजनीतिक गुरु हैं। अम्बालाल कोष्टी की सलाह पर मोदी ने चाय बेचने की जगह राजनीति की ओर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अम्बालाल कोष्टी को मोदी को राजनीति में आने के लिए मनाने में 20 दिन लग गए। अहमदाबाद में सालों तक मोदी संघ के लिए काम करते रहे। मोदी बीजेपी में छोटे से लेकर बड़े पदों पर रहे। मोदी ने राजनीति में यात्राओं का ट्रेंड शुरू किया था। संघ से बीजेपी में जाने के बाद मोदी ने सबसे पहले अपनी राजनीतिक गुरु शंकर सिंह भगेला की न्याय यात्रा निकाली। उसके बाद अडवाणी की सोमनाथ यात्रा के मैनेजर बने और बाद में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली। भागेला के कहने पर 1995 में मोदी को दिल्ली भेजा गया और उन्हें राष्ट्र सचिव बनाया गया और उसके बाद बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया। बीजेपी में मोदी ने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मोदी दिल्ली में थे मगर उनका मन अहमदाबाद में बसा था। 2001 में मोदी का बनवास खत्म हुआ और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए।
इसके बाद मोदी ने सफलता की नई कहानी लिखी और राजनीति में अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए पीएम पद की कुर्सी पर।